ये यहाँ डांस ले कर रही हैं क्योंकि ये पीटी गई हैं नीचे, तो ये ऊपर आ गई हैं। तो अभी आज हम अपने गांव आए हैं दादाजी के पास, और आज एक खास दिन है। अभी हमारी गाड़ी अटक गई थी सामने, बड़ी मुश्किल से निकली, ट्रैक्टर वालों को हटवाना पड़ा। और मैं सोच रहा था पहले कि कुछ ड्रोन शॉट लूँगा, लेकिन है ना, आपको पता है ना, मेरा मोबाइल अभी रिसेट हुआ था तो वो सारे सॉफ्टवेयर उड़ गए हैं, वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कल काशीराम जी की पुण्यतिथि थी, आज मेरी मम्मी की है। ये जो दिन था ना, मेरे लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ऐसे मेरे लाइफ में तीन चार टर्निंग पॉइंट हुए हैं जिनको झेल झेल कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा पूरा परिवार जो है ना, वो आज के दिन यहाँ आता है। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि मैं टूर पे रहता हूँ तो नहीं आ पाता, लेकिन जब भी मैं ग्वालियर में होता हूँ तो यहाँ पे ज़रूर आता हूँ। मैं भोपाल में अच्छा खासा सेटल्ड था, बहुत अच्छा काम वाम भी मिलता रहता था हमको, और भारत की नवरत्न कंपनियाँ, BHEL जैसी कंपनी के साथ हम लोग काम भी करते थे। लेकिन जब एकदम सडन से मदर एक्सपायर हो गई और यहाँ पापा जो हैं वो अकेले थे, फिर मैंने ये फैसला लिया कि मुझे ग्वालियर में ही रुकना है। अब उसके बाद की सारी जर्नी आपके सामने ही है। और हमारे साथ है मेलोडी बॉय। कहाँ गया? ओए कहाँ गया? वो गया है क्या मेलोडी बॉय? तुमने तो लोगों को उल्लू बना दिया है, बोल रहे थे ब्लॉग बनाओगे ब्लॉग बनाओगे, एक भी ब्लॉग नहीं बनाया। मेरे एग्जाम चल रहे थे। अच्छा, मना कर रहे थे अभी। अच्छा, एग्जाम चल रहे थे। ये जो है हमारे खेत हैं, पता नहीं कुछ तो भी लगा हुआ है अभी, कुछ अभी सब लोग यहाँ आराम से रहते हैं। लेकिन एक टाइम था, मैंने आपको घर दिखाया था हमायन वाला, वो छोटा सा घर, वो घर था। और दादाजी पढ़े लिखे थे हमारे 5वीं क्लास तक उस ज़माने में। अभी दादाजी लगभग होंगे 90 साल के। 102। उसके बाद उन्होंने पापा को पढ़ाया और धीरे 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 सब कुछ होता चला गया। ये कितना मज़ा। कौन है यहाँ? नहीं जानवर ना हो बस। मजाक कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता खेत वगैरह, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, मैं टेक्निकल व्यक्ति हूँ थोड़ा। हाँ, ये डर तो मुझे भी लग रहा था एकदम, आवाज भी थी। जिसकी आपको आदत नहीं है वहाँ आपको डरना भी चाहिए। आपको याद दिला दूँ कि मुझे कल जो है भोपाल के लिए निकलना है, और वहाँ से कानपुर के लिए, वहाँ से नागपुर के लिए। नाम बहुत मैचिंग है ना, कानपुर नागपुर, बल्कि एक महाराष्ट्र में और एक उत्तर प्रदेश में। मैं करोड़ों बार बता चुका हूँ कि ये जो तस्वीर थी, ये मेरे पिताजी की बारात में जाने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाई, वो आज तक संभाल कर रखी है। ओ, घड़ी चल रही है? नहीं चल रही, नहीं चल रही। यहाँ देखिए, यहाँ पर है ना एक शादी का कार्ड है, उसके पीछे है ना 22 प्रतिज्ञाएँ लिखी हुई हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएँ। सेम ऐसा ही काम जो है ना यूपी के एक शादी में हुआ था और उनको जेल हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बाबा साहब ने बताया था और सिर्फ इसको छापा गया है। गेट कैसा लगा? बढ़िया लगा। बढ़िया है ना? बढ़िया है। तो फाइनली घर आ गए हैं, कल से कल के जाने की तैयारी करनी है। आओ आओ बैठ जाओ अंदर। मैं बस है ना जस्ट सो ही गया, मुझे भूल ही गया था कि मुझे कल जो है नागपुर के लिए निकलना है, और गाड़ी में बहुत सारे काम है जो अभी तक करवा ही नहीं है। क्यों? और बस गाड़ी तू ले गई थी क्या? गाड़ी तू ले गई थी क्या? हमारी गाड़ी जो है कुछ बाहर गई थी और वो पंचर निकली और स्टेपनी तक में हवा नहीं थी, तो गाड़ी में अभी CNG डलानी है,
स्टेपनी चेक करवानी है। और वो कहाँ रखा है वो जैक? हाँ टायर बदलने वाला रखा है कि नहीं रखा इसमें? रखा है ना। अरे देख लेना पसला, ये रास्ते में पंचर हो गई तो मैं, अरे मुझे बुला लेना, मैं हूँ ना। मैं अपना ड्रोन आगे बांधूंगा और चालू करूंगा, उसे धक्का डलवाते हुए ले जाऊंगा, है ना? अच्छा आइडिया, इतनी अच्छी भगाती हूँ अब गाड़ी। अच्छा 80 की स्पीड देखना। हवा पानी CNG सब डला लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ तो समस्या है। क्या है वो मैं कल बताऊंगा। ये यहाँ डांस इसलिए कर रही क्योंकि ये पीटी गई है नीचे, तो ये ऊपर आ गई है। मम्मी ने कुटाई की है ना अपना दर्द बयां करने। क्यों काहे को कुटाई करी तूने इसकी? अरे इसको मारती थी फालतू, चार गाल मारती थी, दिमाग मारती थी। सॉरी बोलो, सॉरी। मेरे दोस्तों को मारा है क्या? बैग पूरा फर चुका है और हम कल के ट्रेवल के लिए तैयार है। होप सो बैग धोखा नहीं देगा, आजकल बहुत चीजें धोखा दे रही है मेरे को। जल्दी की पार्टी बोल दो। की पार्टी? बाय 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 बाय।